स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित स्वामी पद्मनाभ मंदिर के बारे में, जो कि अपने विश्वविख्यात खजाने को लेकर हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक आईपीएस अधिकारी ने कोर्ट से इस मंदिर में छुपे ढेर सारे खजाने को ढूंढ निकालने की अनुमति मांगी। इस पर अनुमति देते हुए कोर्ट ने 7 सदस्यों की टीम बनाई थी। टीम ने खजाने को खोजने की शुरुआत की और उन्हें 6 दरवाजे मिलते हैं। उन्होंने 6 दरवाजों को A, B, C, D, E और F नाम दिया, लेकिन इन दरवाजों को खोलना एक कठिन काम साबित हुआ। कड़ी मेहनत के बाद जब इन दरवाजों को खोला गया तो इन दरवाजों में सोने चांदी के बर्तन, हीरे, 1 लाख करोड़ की कीमती धातु के सिंहासन और अन्य कीमती रत्न मिले। हालांकि बी दरवाजे को अब तक नहीं खोला जा सका है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इस दरवाजे को खोलने का प्रयास करेगा तो वह खतरे को बुलावा देगा। दरवाजे खुलने के कुछ समय बाद ही उस आईपीएस अधिकारी की असामयिक मृत्यु हो जाने के बाद यह विश्वास और बढ़ गया। इस दरवाजे को नागों द्वारा संरक्षित किया गया है। अगर कोई भी इसको खोलेगा तो वह घोर मुसीबतों को आमंत्रित करेगा। ऐसा माना जाता है कि सदियों पहले मंदिर के लोगों ने जब भी दरवाजे को खोलने का प्रयास किया था तब उन्हें लहरों की आवाज़ें सुनाई दी थी। यह काफ़ी डरावना लग रहा था, इसलिए वो लोग पीछे हट गए थे। इस दरवाजे को नागपाशम मंत्र का जाप करके बंद किया गया है। बड़े विद्वानों का कहना है कि कोई सिद्ध पुरुष ही इस मंत्र का सही जाप करके ही इस दरवाजे को खोल सकता है। पद्मनाभ मंदिर में मूर्ति का आकार इतना विशाल है कि मूर्ति को 3 दरवाजों से देखा जा सकता है। मंदिर में मूर्ति का एक हाथ शिवलिंग पर रखा हुआ है, जो कि अपने आप में ही एक दिलचस्प उदाहरण है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।